जन लोकपाल के अलग जगाने, समाज सेवी अन्ना हजारे पहुंचे जयपुर। गोविंदगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकारों को जमकर कोसा, कहा जनता के पास है सत्ता की चाबी। नेशनल हाईवे आर्च को लेकर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर गंभीर। कोटपुतली के एनएचएआई कार्यालय में ली बैठक, अधिकारियों को हाईवे की विसंगतियों को दूर करने के दिए निर्देश। चुनावी साल में भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने बीएल जाटावट को राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का चेयरमैन किया नियुक्त। समयबद्ध, निष्पक्षता और पारदर्शिता से परीक्षाएं कराना रहेगी प्राथमिकता। डूंगरपुर के आंतरी पुलिस चौकी में शराब पार्टी, दोषी पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, तीन कांस्टेबल निलंबित। तीन सरकारी डॉक्टर्स ने शराब पार्टी के बाद किया था पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला। लेक सिटी में लाइव रेसलिंग शो एनकाउंटर 18। महाराणा प्रताप खेलगांव में देसी और विदेशी रेसलर्स में होगा मुकाबला, ग्रेट खली भी मौजूद। उदयपुर वासियों में शो को लेकर उत्साह। सीकर में बाबा खाटू शाम का मेला पूरे शबाब पर, 28 फरवरी तक देश भर के करीब 30 लाख भक्तों के आने की संभावना। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी समेत मंदिरों में भागोत्सव की धूम। कंगना रनौत राजनीति में उतरने का बना रही है मन, मणिकर्णिका से क्या है कंगना की उम्मीदें, तमाम सवालों का जवाब जानिए आज रात 9:30 बजे हमारे खास शो अ डायलॉग विद जेसी। नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भरतपुर दौरे पर रहीं और इस दौरान मुख्यमंत्री भरतपुर के सेहू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने फाग गायन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खुद नगाड़ा बजाकर लोक कलाकारों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह का संचार किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर के डीग दौरे के दौरान गुरु शरणानंद महाराज से भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने उनके साथ श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए, आसपास बने हुए विभिन्न पंडालों का अवलोकन किया और गौशाला में गायों की व्यवस्थाएं देखी। वहीं जी मीडिया संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने मुख्यमंत्री के दौरे और विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरु शरणानंद जी महाराज से खास बातचीत की। हम बातचीत करेंगे यहाँ के पीठाधीश्वर से, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या खास नजारा है, कितने लोग अभी तक यहाँ कथामृत का लाभ ले चुके हैं, यहाँ कितने लोग अभी तक आ चुके हैं और कितने लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि ये भूमि है ब्रज 84 कोस जो बोला जाता है, वह भगवान कृष्ण की भूमि मानी जाती है। ऐसा है, गणित का हमको ज्यादा ज्ञान है नहीं, वो गिनती हमने की नहीं, लेकिन इस स्थल में 5 जगह भंडारा चल रहा है। सवेरे से भंडारा चलता है तो बाल भोग चलता है, फिर राजभोग चलता है, तो अभी ये 3-4 बजे तक चलेगा, फिर रात्रि को 10 बजे तक ब्यारू चलती है, तो अनुमान ऐसा है कि 20-25 हजार लोग नित्य प्रसाद यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपकी काफी चर्चा हुई, वो यहाँ पर आई, किन विषयों पर आपकी चर्चा हुई? मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया कि राजस्थान में गायों के लिए क्या कुछ दिया जा रहा है, और भी किन मुद्दों पर बातचीत हुई? ऐसा है, उनकी यह यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा थी, वो गोमाता का पूजन करने, संतों के चरणों में प्रणाम करने ही आई थी, किसी विशेष राजनीतिक विषय की चर्चा नहीं हुई और प्रदेश में गाय का काम करने की मंशा उनकी है, कर रही है। और क्या लगता है आपको राजस्थान में गायों की गौशालाओं की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आपके पास सारी जानकारी होती है, आप भ्रमण पर भी रहते हैं, राजस्थान में गायों की गौशालाओं की क्या स्थिति है? राजस्थान में गायों को सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जा रहा है वो कितना बेहतर है? पूरे देश में गोवंश की स्थिति बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी शासक केवल कोई राशि मंजूर करके या कानून बना के नहीं कर सकता है, शासन और समाज दोनों समर्पित भाव से जब तक कार्य नहीं करेंगे
तब तक समाधान कम संभव है। समाधान व्यक्ति पर निर्भर करता है या पार्टी पर? ऐसा है, व्यक्तियों की ही पार्टी होती है। पार्टी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, व्यक्ति होते उन्हीं से पार्टी बनती है, बिना व्यक्तियों के तो पार्टी होती नहीं है। समाधान यह है कि हर भारतवासी गो उपासक गोपालक बने, ये समाधान है। एक और अंतिम सवाल, आगामी दिनों में आप चाहेंगे कि राजस्थान में जहां भी इस तरीके से गौशालाएं हैं या ऐसे स्थल है वहां पर भी इस तरीके के आयोजन हो जिससे कि लोगों में धर्म के प्रति और भी ज्यादा आस्था बढ़े? ये गौशाला तो प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव करती ही है और जहां जहां हमारा जाना होता प्राय सब जगह आयोजन भी होते हैं और लोग वहां पहुंच करके उपस्थित होकर के लाभ भी लेते हैं, होने ही चाहिए, निश्चित होने चाहिए। और गो भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार के समायोजन बहुत आवश्यक। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकारों को और लोगों को भी सोचना होगा गायों की दशा सुधारने के लिए। तमाम जो चीजें हैं वो चीजें जो है लोग और सरकार ही बनाते हैं, लोगों और सरकार को मिलकर गायों की दशा सुधारनी होगी। संत जो पीठाधीश्वर यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा की है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री कोई राजनीतिक की वजह से नहीं आई थी, उनकी धार्मिक यात्रा थी। कैमरा पर्सन रवि के साथ ऐश्वर्य प्रधान, जी मीडिया भरतपुर। जहां गाय सुरक्षित नहीं रहती वहां के लोग कलंकित होते हैं, इसलिए गौवंश की रक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ये कहना है सीएम राजवे का। भरतपुर में आयोजित सुमेरु महामहोत्सव में सीएम राजवे ने ये भी कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संतों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को भरतपुर दौरे पर रही, जहां उन्होंने डीग स्थित जड़खौर गौधाम में आयोजित सुमेरु महामहोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम राजे ने 60,000 से अधिक गौवंश की देखभाल करने वाले इस धाम को अनूठा करार दिया और कहा कि गौ संरक्षण के इतने बड़े काम के लिए क्षेत्रवासी, श्रद्धालु और संत समाज साधुवाद के पात्र हैं। जल में से रखा और उसके बीच में एक विशाल गौशाला जिसके अंदर मैंने उनसे पूछा तो कितने हैं, तो एक तरफ नंदी दिख रहे थे, एक तरफ गाय दिख रही थी। और मैंने जब पता किया तो बताया कि इस जंगल के अंदर करीबन 7,000 गौ वंश का पीड़ा आपने उठाया है। और अगर वाकई में हम गौ रक्षा और गौ सेवा और गौ पालन का ध्यान रखते हैं तो किसी भी आदमी को पॉलिथीन के बैग खरीदने नहीं चाहिए और ना वो पॉलिथीन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बायोगैस प्लांट को खड़ा करने का काम करता है तो 40 लाख तक हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे और उनको मदद करेंगे कि वो और गौ इस तरीके से बायोगैस प्लांट लगाने का काम करें। सीएम राजे ने कहा कि गौवंश संरक्षण के लिए सरकार के साथ आम लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां गौ पालन के लिए विभाग बनाया गया और गौशालाओं की तस्वीर बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गौवंश की टैगिंग की गई, सभी गौशालाओं के लिए अनुदान की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई। सीएम राजे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विभिन्न संसाधनों के माध्यम से इस सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में बन रहे पैनोरामा पर सीएम राजे ने कहा कि ये नई पीढ़ी को संत महात्माओं और महापुरुषों के जीवन और इतिहास से रूबरू कराने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लिए हर जिले में पैनोरामा स्थापित किए गए हैं। 4 वर्षों में मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 550 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। गोगा मेडी से लेकर ब्रज 84 तक धर्म स्थलों और मंदिरों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विकास किया है। खाटू श्याम जी मंदिर, श्रीनाथ द्वारा, पीपा जी महाराज मंदिरों में सुविधाओं के विकास पर भी सरकार फोकस कर रही है। इस दौरान सीएम राजे ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संतों का आशीर्वाद जरूरी है। राजे ने कहा कि भरतपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिहारी मंदिर, गंगा मंदिर एवं विमल कुंड के विकास के लिए 8 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा तथा सप्तकोसी परिक्रमा मार्गों पर भी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल भरतपुर जिले में राज्य सरकार ने लगभग 6,600 करोड़ रुपए बीते 4 वर्ष में खर्च किए हैं। नदबई, नगर और कामा में सरकारी कॉलेज खोलने की बजट घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि एक जिले में एक साथ 3 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। कार्यक्रम में पर्यटन राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, सांसद बहादुर सिंह कोहली, अनेक पीठों से आए पीठाधीश्वर संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मनोज शर्मा, प्रतिभा शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट।
तो तस्वीरें आपको हमने सुमेरु महोत्सव की दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रही। फाल्गुन के महीने की अगर बात करते हैं और ब्रज की होली का जिक्र ना करें तो जब ये बात ही क्या, जब ब्रज की होली की बात हो तो रसिया गायन का भी काफी महत्व है। ब्रज के लोक कलाकार लोक वाद्य यंत्रों के जरिए किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, किस तरीके से भगवान के भजनों को तुकबंदी के साथ गाते हैं, सुनाते हैं। की अगर बात करते हैं तो ब्रज की धरती पर यदि रसिया अपने लोक गीत के जरिए, लोक गायन के जरिए और लोक वाद्यों के जरिए कुछ सुनाएं तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा ही हम आपको सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। ये देखिए आप ये किस तरीके से लिया है। फिर से सुनाते हैं आपको इन्हीं की जुबानी, ये देख सकते हैं आप, फिर से आपको दिखाते हैं। मैं जीती मेरा हारो ढोला हो तो ब्रिज की धरती पर ऐसे ही नजारे आपको दिखाई देंगे। इनको बोलते हैं रसिया। रसिया गायन के जरिए भगवान को याद करने की परंपरा है, ईश्वर को याद करने की परंपरा है। मेरे सहयोगी मनोज शर्मा और कैमरा पर्सन रवि के साथ ऐश्वर्य प्रधान, जी मीडिया भरतपुर। तो ये महीना ही ऐसा होता है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी, वो हम आपको दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौट। ना कोई आहट, ना कोई साया, फिर भी दिल में खौफ समाया। विधानसभा में कांपे विधायक, रूहानी ताकत, सच या छलावा, डर के पीछे भूत है। ग्राउंड रिपोर्ट आज रात 8:30 बजे। मणिकर्णिका की पहली झलक ऑन लोकेशन गजनेर पैलेस बीकानेर से। कंगना रनौत एक्सक्लूसिव। A Dialogue with JC May, रात 9:30 बजे।
जन लोकपाल के अलग जगाने, समाज सेवी अन्ना हजारे पहुंचे जयपुर, गोविंदगढ़ में जनसभा को किया संबोधित, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकारों को जमकर कोसा, कहा जनता के पास है सत्ता की चाबी। नेशनल हाईवे आर्च को लेकर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गंभीर, कोटपुतली के एनएचएआई कार्यालय में ली बैठक, अधिकारियों को हाईवे की विसंगतियों को दूर करने के दिए निर्देश। चुनावी साल में भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, सरकार ने बीएल जाटावट को राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का चेयरमैन किया नियुक्त, समयबद्ध निष्पक्षता और पारदर्शिता से परीक्षाएं कराना रहेगी प्राथमिकता। डूंगरपुर के आंतरिक पुलिस चौकी में शराब पार्टी, दोषी पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, 3 कांस्टेबल निलंबित, 3 सरकारी डॉक्टर्स ने शराब पार्टी के बाद किया था पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला। लेक सिटी में लाइव रेसलिंग शो एनकाउंटर 18, महाराणा प्रताप खेलगांव में देसी और विदेशी रेसलर्स में होगा मुकाबला, ग्रेट खली भी मौजूद, उदयपुर वासियों में शो को लेकर उत्साह। सीकर में बाबा खाटू श्याम का मेला पूरे शबाब पर, 28 फरवरी तक देशभर के करीब 30 लाख भक्तों के आने की संभावना, जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी समेत मंदिरों में भागोत्सव की धूम। कंगना रनौत राजनीति में उतरने का बना रही है मन, मणिकर्णिका से क्या है कंगना की उम्मीदें, तमाम सवालों का जवाब जानिए आज रात 9:30 बजे हमारे खास शो अ डायलॉग विद जेसी में। नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भरतपुर दौरे पर रहीं और इस दौरान मुख्यमंत्री भरतपुर के सेहू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाग गायन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खुद नगाड़ा बजाकर लोक कलाकारों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह का संचार किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर के दीघ दौरे के दौरान गुरु शरणानंद महाराज से भी आशीर्वाद लिया, उन्होंने उनके साथ श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए, आसपास बने हुए विभिन्न पंडालों का अवलोकन किया और गौशाला में गायों की व्यवस्थाएं देखी। वहीं जी मीडिया संवाददाता ऐश्वर्या प्रधान ने मुख्यमंत्री के दौरे और विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरु शरणानंद महाराज से खास बातचीत की। हम बातचीत करेंगे यहां के पीठाधीश्वर से, उनसे हम जानेंगे कि यहां पर क्या खास नजारा है, कितने लोग अभी तक यहां कथामृत का लाभ ले चुके हैं, यहां कितने लोग अभी तक आ चुके हैं और कितने लोग यहां आएंगे, क्योंकि ये भूमि है ब्रज 84 कोस जो बोला जाता है, वह भगवान कृष्ण की भूमि मानी जाती है। ऐसा है, गणित का हमको ज्यादा ज्ञान है नहीं और गिनती हमने की नहीं, लेकिन इस स्थल में 5 जगह भंडारा चल रहा है। सवेरे से भंडारा चलता है तो बाल भोग चलता है, फिर राजभोग चलता है, तो अभी ये 3-4 बजे तक चलेगा, फिर रात्रि को 10 बजे तक ब्यारू चलती है, तो अनुमान ऐसा है कि 20-25 हजार लोग नित्य प्रसाद यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपकी काफी चर्चा हुई, वो यहाँ पर आई, किन विषयों पर आपकी चर्चा हुई? मुख्यमंत्री ने जिक्र भी किया कि राजस्थान में गायों के लिए क्या कुछ दिया जा रहा है, और भी किन मुद्दों पर बातचीत हुई? ऐसा है, उनकी यह यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा थी, वो गोमाता का पूजन करने, संतों के चरणों में प्रणाम करने ही आई थी, किसी विशेष राजनीतिक विषय की चर्चा नहीं हुई और प्रदेश में गाय का काम करने की मंशा उनकी है, कर रही है। और क्या लगता है आपको राजस्थान में गायों की गौशालाओं की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आपके पास सारी जानकारी होती है, आप भ्रमण पर भी रहते हैं, राजस्थान में गायों की गौशालाओं की क्या स्थिति है, राजस्थान में गायों को सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जा रहा है वो कितना बेहतर है? पूरे देश में गोवंश की स्थिति बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी शासक केवल कोई राशि मंजूर करके या कानून बना के नहीं कर सकता है, शासन और समाज दोनों समर्पित भाव से जब तक कार्य नहीं करेंगे
तब तक समाधान कम संभव है। समाधान व्यक्ति पर निर्भर करता है या पार्टी पर? ऐसा है, व्यक्तियों की ही पार्टी होती है। पार्टी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, व्यक्ति होते उन्हीं से पार्टी बनती है, बिना व्यक्तियों के तो पार्टी होती नहीं है। समाधान यह है कि हर भारतवासी गो उपासक गोपालक बने, ये समाधान है। एक और अंतिम सवाल, आगामी दिनों में आप चाहेंगे कि राजस्थान में जहां भी इस तरीके से गौशालाएं हैं या ऐसे स्थल है वहां पर भी इस तरीके के आयोजन हो जिससे कि लोगों में धर्म के प्रति और भी ज्यादा आस्था बढ़े? ये गौशाला तो प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव करती ही है और जहां जहां हमारा जाना होता प्राय सब जगह आयोजन भी होते हैं और लोग वहां पहुंच करके उपस्थित होकर के लाभ भी लेते हैं, होने ही चाहिए, निश्चित होने चाहिए। और गो भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार के समायोजन बहुत आवश्यक। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार करो मेरी शक्ति के माध्यम से जग का उपकार करो, फिर प्रकट हुए बजरंग बली हनुमान गदाधारी, श्रीमंत जी ने चरणों में गिरा गया स्वीकारी, उस दिव्य स्वप्न से श्री महंत जी बाहर आते हैं, फिर बाहर आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन अब देश के प्रत्येक जिले में लागू होगा। इसका औपचारिक ऐलान पीएम मोदी 8 मार्च को झुंझुनू में करेंगे। पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। अभी तक देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 14 जिले हैं। देश के इन 161 जिलों में राजस्थान का झुंझुनू जिला ऐसा जिला बन गया है जहां स्त्री और पुरुष में लिंगानुपात सबसे कम है, जबकि कभी झुंझुनू ऐसा जिला हुआ करता था जहां लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। हरियाणा से 2 साल पहले शुरू की गई योजना के बाद देश भर में लोगों की सोच के साथ आंकड़ों में भी परिवर्तन आया है। 8 मार्च को झुंझुनू से पीएम मोदी इस योजना को पूरे देश भर में लागू करने का ऐलान करेंगे। पूरा कार्यक्रम झुंझुनू की हवाई पट्टिका पर होगा। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय महिला बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव और मुख्य सचिव एनसी गोयल ने उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों और अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन अभी भी राजस्थान में 4 जिले ऐसे हैं जहां सूरत नहीं बदली। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, जैसलमेर जिले लिंगानुपात में पिछड़े हुए हैं, फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के क्रियान्वयन में राजस्थान नंबर 1 पर काबिज है। इसलिए राजस्थान को राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के 10 जिलों के कलेक्टर्स को पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय पोषाहार मिशन भी अब देश के हर राज्य में लागू होगा। इससे पहले 8 राज्यों में भी ये योजना संचालित है। राजस्थान में ये योजना 19 जिलों में संचालित है, लेकिन अब इसे 24 जिलों में लागू किया जाएगा। योजना से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। 8 मार्च को पीएम मोदी के इस दौरे को चुनावी सभा के रूप में भी माना जा रहा है, लेकिन बेटियों के इस अभियान से देश में नई क्रांति आएगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। कोटा बाल विद्यालय में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिमा का अनावरण किया। बोरखेड़ा रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद अजयराज सिंह, पीसीसी महासचिव पंकज मेहता समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और स्कूली छात्र मौजूद रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भुवनेश चतुर्वेदी विद्वान शख्सियत थे। सरल और सहज स्वभाव के धनी भुवनेश के विपक्षी नेताओं से भी अच्छे संबंध थे। जल लोकपाल के अलग जगाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने जयपुर जिले के चौमू तहसील के गोविंदगढ़ में जनसभा की। गोविंदगढ़ के रामगोपाल कानून को स्टेडियम के पास आयोजित हुई जनसभा में पहुंचते ही अन्ना हजारे का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि हल्की पूजा अर्चना करने के बाद सभा का शुभारंभ किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने किसानों की समस्याओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकारों को जमकर कोसा। अन्ना ने कहा कि जनता के पास चाबी है, जनता उस चाबी का महत्व समझती है। जनता की चाबी सत्ता और संगठनों को तख्ता पलट करने में सक्षम है। जनसभा के लिए गोविंदगढ़ पहुंचे अन्ना हजारे से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता प्रदीप सोनी ने। समाज सेवी अन्ना हजारे आज गोविंदगढ़ पहुंचे हैं। अन्ना हजारे हमारे साथ हैं, जानते हैं इनसे कि जन लोकपाल को लेकर इन्होंने एक आंदोलन किया और अब राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं। राजस्थान में आप तीसरी बार हैं, झुंझुनू आए, कोटा आए और आज गोविंदगढ़ में, क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि किसान की क्या हालत है। आजादी के 70 साल के बाद किसान की हालत क्या है? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। वो इतना मेहनत करता है खेते में, उसको खेती पर आधारित खर्चा पर दाम नहीं मिलता। इसलिए अभी हमारा आंदोलन है, किसान के खेती मार पर किसान जो खर्चा करता है, खर्चा पर आधारित उसको दाम मिलना, और सिर्फ वो आधारित नहीं 50% बढ़ाकर दाम मिलना। इसलिए अभी ये मांग लेकर जगा रहा लोगों को। ये मोदी जी ने तो आश्वासन दिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करेंगे। आज भी बड़े बड़े अखबार में जाहिरात देते हैं, संकल्प करो, जनता को बता रहे संकल्प करो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना है। तो करोड़ रुपया खर्चा करके जाहिरतबाजी चल रही, और आज स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। अभी मैं ₹100 के बाउंस स्टाम्प पर लिख कर ले रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, आना है आंदोलन में
तो 100 रुपए का बाउंस स्टाम्प पर लिख कर दे दो, मैं किसी पक्ष पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं समाज और देश की सेवा करूंगा, हाँ मेरा चारित्र अच्छा रखूंगा, आचार विचार शुद्ध। अभी 5,000 एफिडेविट आ गए। तो ये थे अन्ना हजारे जिन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जैसे जो राजनीति में उतरने वाले लोग हैं मेरे आंदोलन के साथ नहीं आएंगे, इसके लिए बकायदा वो स्टाम्प का जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल किया है, बॉन्ड भरवाया जा रहा है और बॉन्ड भरवाने के बाद में अपने आंदोलन में शामिल कर रहे हैं। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, गोविंदगढ़। मेरी शक्ति के माध्यम से जग का उपकार करो।